मेरे निके निके पोतरिया तो निका जा मेरा पोतरा है जी, उन्हां दी रोजी भी नहीं पूरी होंदी तो मैं अखा धुंदी हां। पराइयां जागा जी धक्के खांदे फिरने आ ज्यादा दे मुसीबत दे बड़े सखत आए खाए साडे ते, ते अल्लाह मेहरबानी करे तो थोड़ी कोई इमदाद हो सके तो मेरे निके निके मैटरी पोतरिया है। बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ, आप ऐशाबाजी ने साडे वास्ते मदद की है, अल्लाह पाक उनकी मदद करे ते अल्लाह पाक उन्हें मदीना विखावे। यतीम बच्चियां निकिया निकिया उन्हां दी मदद की तो सानू मकान पाते दे रही है। रत बिठा दीजिए जो नबी जी की आंखों की ठंडक रहे, वो नमाजे हमें भी सिखा दीजिए। सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। भटकते फिरे रोज शब हर तरफ, आप हादी है राह पर लगा दीजिए। हो मुयसर फरिश्तों की सोहबत हमें, खाकियों में बिनूरी कबा दीजिए। अहले दिल की दुआएं दिला कर हमें, दावते दी कहूगर बना दीजिए। बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ, आप हादी है राह पर लगा दीजिए। फूल की सी बिनर्मी अता हो रहे, प्यार बंदों से करना सिखा दीजिए। आपके दोस्तों से मोहब्बत रहे, अपने दुश्मन का दुश्मन बना दीजिए। सीज फूलों की हो तो दहल जाए हम, जख्म पर मुस्कुराना सिखा दीजिए। बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ, आप हादी है राह पर लगा दीजिए। नूर ईमान मिले फहमे कुरआन मिले, जोर बातिल की पहचान सुझा दीजिए। वो जो हक इन निगाहों को हक ही दिखे, आँख को ऐसा सुरमा अता कीजिए। बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ, आप हादी है राह पर लगा दीजिए। जी बहलता नहीं इन बहारों से अब, दिल फिगारों को महमा बना लीजिए। इससे पहले के फितने उचक ले चले, रूहो रिहा में हम को बसा लीजिए। सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ, आप हादी है राह पर लगा दीजिए। और किसी साएबा की तमन्ना नहीं, जेरे अरशे बरी घर
बना दीजिए। आपके पास आए तो मालिक हमें खोल के दर बसंदर बुला लीजिए। बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ, आप हादी है राह पर लगा दीजिए। आपकी रहमतों के तो काबिल नहीं, रहमतों ही से काबिल बना दीजिए। आज अपना मुकर्रब बना कर हमें सर पे ताजे शहादत सजा दीजिए। आज अपना मुकर्रब बना कर हमें सर पे ताजे शहादत सजा दीजिए। बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ, आप हादी है राह पर लगा दीजिए। आप हादी है राह पर लगा दीजिए। आप हादी रहमान रहीम केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन इस वक्त मौजूद है नवाही गांव खालिस खुर्द में। यहां की रिहायशी बेवा खातून कौसर बीबी की एक अपील की गई थी, जिस पर आयशा बेगम की जानिब से उनके लिए एक घर डोनेट किया गया था अपने घर प्रोजेक्ट के तहत, और ये घर अब बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और आज ये फैमिली के हैंड ओवर किया जा रहा है। इस घर का आपको विजिट करवाएंगे कि इसको किस तरह से तैयार किया गया और इसमें क्या क्या सहूलियात फराहम की गई है। दिल मेरा पाब कुल मुआसी की नफरत बिठा दीजिए। जो नबी जी की आंखों की ठंडक रहे वो नमाजें हमें भी सिखा दीजिए। सहारों को अपना बना लीजिए, आफियत में बसा लीजिए। हम भटकते फिरे रोज। घर इस वक्त मुकम्मल तौर पर फर्निश हो चुका है, इसमें सोलर सिस्टम भी नस्ब किया गया ताकि बिजली के आने और जाने से इनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और इसमें दो कमरे जो हैं वो बनाए गए हैं जो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस वक्त हम बरामदे में खड़े हैं घर के, जो कि मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। और इसकी जो छत है वो भी बड़े अच्छे तरीके से नस्ब की गई है, और ये फैमिली जो है इस घर में बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी के आने वाले दिन गुजार सकेगी। ये अब घर के दूसरे कमरे में इस वक्त जा रहे हैं, और ये बच्चियों के चेहरे पर जो खुशी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज ये कितना खुश हैं। और इनका कई सालों पुराना जो ख्वाब था अपने घर का वो आज पूरा हो गया है, और ये बच्चियाँ इस वक्त अपने घर में खेल रही हैं। और ये घर का दूसरा कमरा है, ये भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुबारका हो जी जी, तुसा साडे नाल मदद कीती है। अल्लाह तेरे बच्चन भी इमदाद देवे ते लोकां गरीबां दी मदद करे। अल्लाह पाक तैनू मदीने दे ज़ियारत करावे। मेरे मैटर यतीम बच्चां दी तुसा वड्डी मदद कीती है, थानू भी मुबारका। अल्लाह पाक थानू मदीने दे ज़ियारत करावे। आयशा बेगम थोड़ा बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक करम कीता थानू मदद दित्ती है। मेरियां अखां दा भी तुसा इलाज कराया है, अल्लाह पाक थोड़ा दित्ता होया कबूल ते मंजूर करे। मेरे पोतरियां ते भी तुसा तरसी कीती है, मैटर आए ते अल्लाह पाक तैनू तेरी सेहत ठीक रखे ते रब तैनू मदीने दियां ज़ियारतां करावे। ऐशा बीबी साडे ते बड़ा तरस कीता है, बड़ा रहम कीता है। मेरे निक्के निक्के बच्चे ने, मेरा मियाँ फौत हो गया, मैं अग्गे गुजारा मांग पैन ते करदी रही हाँ। हुण मेरे ते ऐशा बेगम ने बड़ा हसान कीता है, मैं उनका शुक्रिया अदा करती पई हाँ। मेरे बच्चों की बाण की जिंदगी सवर गई। एक मेरा बेटा है, चार मेरिया बेटियां ने, मैं उनका कदी ना हसान भुला। इस घर का बाथ और वाशरूम इसमें नस्ब किया गया ताकि इसके जो रहने वाले हैं उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और ये घर अब बिल्कुल फर्निश है, ये बिल्कुल फंक्शनल हो चुके हैं, और आज ये हैंड ओवर इनके कर दिया जाएगा। आंटी आयशा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, हम अपने घर में बहुत खुश है, हम इधर से आज रिहाइश कर लेंगे। लाइट भी लगा के दी है, सब कुछ हो गया है, वॉशरूम भी बन गए, सब कुछ हो गया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐशा बेगम हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें घर बना के दिया,
आपने इस सोलर भी लगा के दिए। आफियत में बसा लीजिए। हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ, आप हादी है राह पर लगा दीजिए। जी बहलता नहीं इन बहारों से अब, दिल फिगारों को मेहमा बना लीजिए। इससे पहले के फितने उचक ले चले, रूह रिहा में हमको बसा लीजिए। सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। हम भटकते फिरे रोज शब हर तरफ, आप हादी है राह पर लगा दीजिए। और किसी साए बाकी तमन्ना नहीं, जेरे अरशे बरी घर बना दीजिए।